चैनल बॉक्स ऑफ आशीष और आज मैं हूँ प्रयागराज में। कश्मीर के बाद मेरा ये फुल टाइम पहला ब्लॉग है उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज में आज हम हैं संगम। दोस्तों, इलाहाबाद जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट में से एक है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां आपस में मिलती हैं, इसलिए प्रयागराज को संगम नगरी कहते हैं। दोस्तों, प्रयागराज में ओवरब्रिज हो गए या फिर कॉमन जो भी ब्रिज हैं, उस पर ऐसी चित्रकारी बहुत ही नॉर्मल तरीके से मिल जाएगी। अभी हम जा रहे हैं संगम की तरफ। ये सीधा रास्ता जाएगा तकरीबन 1 किलोमीटर और फिर हम पहुंच जाएंगे संगम। पूरे रास्ते में बालू है और यहाँ भी बालू है। बालू के दोनों में ये लोहे कटी जैसा बिछा के रखा हुआ है जिससे गाड़ी वगैरह चले में आसानी हो सके। और यहाँ पे आप देख रहे होगे तैयारियाँ चल रही हैं। फिलहाल माघ मेला है यहाँ पर। यहाँ पर अभी बिछा रहे हैं स्टील। इन किचकिच बहुत है, इसके ऊपर पानी डाला गया है जिससे ये बालू उड़े ना, तो ये भी सही है। देखो काम चल रहा है भाई। फिलहाल माघ मेले को देखते हुए तैयारियां बहुत ही जोर शोर से हो रही हैं। हर तरफ बालू भी बिछाई जा रही है, उसके ऊपर टीन लगा रहे हैं जिससे गाड़ियां आसानी से आ सकें। यहाँ पर मेले जैसा माहौल भी यहाँ पर अब होने लगा है, तो फुल ऑन वर्क चल रहा है। अभी हम संगम घाट की ओर भी जाएंगे। यहाँ पर बहुत से लोग नहा रहे हैं। इतनी बोरियों में देखो ये बालू है, इस साइड भी, यहाँ भी, ये सारा बालू है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यार। ये देखो भाई, जहाँ तहाँ दुकानें सजी हुई हैं। गंगा जल के लिए यहाँ पर डिब्बे भी हैं। जल पुलिस प्रयागराज स्पॉन्सर्ड बाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी देखो बोरियाँ बिछाई गई हैं। काम चल रहा है भाई, देखो ये देखो। तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए यहाँ। हर जगह तो काम चल रहा है अभी, लेकिन पानी बहुत साफ सुथरा है। चलो हम यहाँ से ऊपर से जाएंगे यार। ओह
अभी एक स्लिप कर रही थी। ये है माइग्रेटेड बर्ड, अब हम दूसरी तरफ जाएंगे जहाँ पर हमें बोट मिलेंगी, वहाँ से हम संगम की ओर जा सकते हैं। बालू के टीले भाई यहाँ भी हैं, यहाँ भी बालू बिछाने वाले हैं। नहीं भाई ले लेंगे अभी। दिसंबर का महीना चल रहा है और आज 24 गर्मी लग रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये दिसंबर का महीना है, इतनी अच्छी खासी सर्दी होनी चाहिए यहाँ पर। लेकिन वही है कि सर्दी का तो नाम ही नहीं है फिलहाल। मैंने ये हुडी पहन ली है, सोचा था थोड़ा गंगा घाट पे जाएंगे सर्दी होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है बिल्कुल भी, जस्ट अपोजिट ही हो रहा है, गर्मी लग रही है यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि ऊपर से हर जगह बालू डाली हुई है, तो यार किच-किच हो रहा है। फिलहाल तो हम बोट पर बैठ गए हैं, यहाँ पर जितनी भी जगह हर जगह ये तार लगा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं फिलहाल, जिससे जब मेला शुरू होगा तो अच्छी सी लाइटिंग हो जाए उसके लिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हर 12 साल में महाकुंभ होता है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जी आपस में मिलती हैं। कहते हैं कि सरस्वती जी अदृश्य रूप से गंगा और यमुना की धाराओं के बीच से निकलती हैं। ये मैगिन बर्ड है, ओह ओडलो ओडलो भाई, आओ 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 खाओ आओ खाओ, क्या बात है। तो अभी आपने जो वाइट और थोड़ी सी ब्राउनिश ब्लैक बर्ड देखी, वो उस साइबेरियन बर्ड है। ये यहाँ पर दिसंबर के महीने में आती हैं और फरवरी मार्च के मंथ तक ये वापस साइबेरिया चली जाती हैं। टोटली मतलब सर्दियों में इंडिया आती हैं, उसके बाद ये वापस चली जाती हैं। जब अभी ये अपने दाना डाला तो बहुत सी चिड़िया आ गई थी, और स्टार्टिंग में जब हम एक जगह गए थे, मैं वो वीडियो में अभी इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो मैं वो भी आपको दिखा दूँगा। वहाँ पर हज़ारों साइबेरियन बर्ड थे, वो एक अलग ही नज़ारा था वहाँ का।
तो यार एक देख के मतलब मजा आता है यार, सेवन बर्ड को अच्छी चीज है कि अभी भी मतलब हैं, आती हैं, अच्छी चीज है ये टूरिस्ट के लिए भी और जो बर्ड्स हैं उनके लिए तो अच्छी चीज है ही है। अभी हम संगम घाट गए थे, वो पीछे संगम घाट ही था, लेकिन हमने सिर्फ बोटिंग की है, बाकी क्या बोलते हैं बाथिंग स्नान वगैरह हमने वहाँ पे नहीं किया है, सिंपल हम बोटिंग कर रहे हैं, नहाया नहीं है मैंने तो इसलिए हम वहाँ पर रुके नहीं, अदरवाइज ये पूरा एरिया संगम एरिया है। और लोग यहाँ पर अलग अलग घाट से आ रहे हैं, उस साइड में भी इसी सारा घाट का एरिया है, अब इनको आप अलग अलग नाम देना चाहो तो दे सकते हो, नाम वैसे होंगे इनके अलग अलग घाट के नाम ही होंगे बेसिकली तो यही होगा, लेकिन हमें जो सबसे नज़दीक में घाट लगा हमने वहीं से ये बोट कर ली और हम यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। वीडियो बनाई है आपके लिए और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा जो कि संगम घाट का पहला ब्लॉग है मेरा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा, आप लोग नहीं करते हो फिर भी कर दीजिएगा। और अगर आप इलाहाबाद आते हो प्रयागराज, जो कि अब इसका नया नाम है प्रयागराज, तो संगम घाट आ सकते हो, अच्छी जगह है। और आप सर्दियों में आओगे तो आपको साइबेरियन बर्ड्स देखने को मिलेंगी जो कि दिसंबर जनवरी और फरवरी तीन महीने तक रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर गंगा घाट के दर्शन हो जाएंगे, गंगा जी के दर्शन हो जाएंगे, आप गंगा जल लेकर जा सकते हो और यहाँ का जो व्यू है आप उसको एंजॉय कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, वैसे आप बाथिंग भी कर सकते हो, तो अच्छा खासा दिन आपका बन जाएगा यहाँ आकर। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप एक बार आएं और इस व्यू को एंजॉय करें। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में और फिर देखते हैं कि आपके पास हम और कौन सा वीडियो ला पाएंगे। बस आई होप सारी वीडियो आप लाइक करो।